नमस्कार मैं डॉक्टर सिद्धार्थ जैन मैं गैस्ट्रो सर्जन हूँ इंदौर में आ, आज हम एक बहुत ही आ, ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं जो पेशेंट्स बहुत शर्माते भी हैं डॉक्टर्स के पास आने से लेकिन ये ऐसी प्रॉब्लम है जो मरीजों को रोज़ फेस करनी पड़ती है आप समझ ही गए होंगे मेरा इशारा फिशर की तरफ़ है या कॉमन लैंग्वेज में जो लोग बोलते हैं कि हमें लेट्रिन में बहुत दर्द हो रहा है इतना दर्द हो रहा है कि हम बैठ भी नहीं पा रहे तो ऐसे पेशेंट्स जब भी रोज़ टॉयलेट में जाते हैं तो वो उनके लिए एक त्रासदी से कम नहीं होता है क्योंकि उनको उस दर्द से उस पीड़ा से रोज़ गुजरना पड़ता है ऐसी चीज़ को एग्ज़ामिन जब हम करते हैं तो नॉर्मली इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में फिशर बोलते हैं आ, हिंदी में आप बोलें तो बवासीर इसको बवासीर बोला जाता है इसका मेन रीज़न होता है कॉन्स्टिपेशन कड़क लेटरिन आप जब जोर ज़्यादा लगाते हैं आपका जो मोशंस टाइट हो जाता है तो वो जब मोशन निकल रहा होता है तो वो उस रस्ते को फाड़ते हुए निकल जाता है इसको बोला जाता है फिशर और ये जब आप अगले दिन मोशन करने जाएंगे, तो वो फटा हुआ जो हिस्सा है वो फिर फटेगा तो आपको दर्द होगा स्वाभाविक है आप उस दर्द को रोकने के लिए आप अपनी लेटरिन को बीच में रोक लेते हैं लेटरिन अंदर पड़ी पड़ी और टाइट हो जाती है निकलना अनफॉर्चुनेटली लेटरिन को उसी रास्ते से तो जब भी लेटरिन निकलेगी वो उस रास्ते को फिर फाड़ते हुए निकलेगी तो ये एक विशेष साइकिल बन जाती है जिसमें मरीज रोज़ कड़क लेटरिन दर्द कड़क लेटरिन दर्द से गुजरना पड़ता है पेशेंट को ऐसी स्थिति में हम मरीज को यही सलाह देते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो है आपका डाइट आपका खाना अगर आप फाइबर्स एडिक्वेट मात्रा में लेंगे फाइबर से मेरा मतलब है फल सब्जियाँ लिक्विड पानी छाछ दही ये सारी चीज़ें आप अगर अच्छी मात्रा में लेंगे आपका मोशन सॉफ्ट रहेगा मोशन सॉफ्ट रहेगा तो आपको दर्द नहीं होगा दर्द नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम धीरे 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 अपने आप सॉल्व हो जाएगी हम मेडिसिन भी ऐसी ही देते हैं जो आपके मोशंस को सॉफ्ट रखे और कुछ ऑइंटमेंट्स दिए जाते हैं जो नीचे उसकी हीलिंग में हेल्प करें जिन पेशेंट्स का फिशर लंबे समय तक चलता रहता है यूजुअली महीने भर डेढ़ महीने के बाद जो फ़िशर होते हैं उसको हम क्रॉनिक फ़िशर बोलते हैं अब ऐसे क्रॉनिक फ़िशर्स कभी कभी दवाइयों से ठीक नहीं होते हैं तो सिर्फ़ इन पेशेंट्स में हम सर्जरी की सलाह देते हैं जहाँ तक सर्जरी की सवाल है आजकल आप पढ़ते होंगे देखते होंगे लेज़र सर्जरी एक बहुत इन टर्म है जो आजकल हर जगह हर पेशेंट भी चाहता है कि मेरी लेज़र सर्जरी हो तो मेरी एक जेन्यन सलाह है लेज़र सर्जरी एक सिर्फ काफ़ी हद तक एक मार्केटिंग टूल है जो आजकल सारे प्लेटफॉर्म्स पे चल रहा है आपका सर्जन आपका फ़िशर देख के डिसाइड कर सकता है कि इसमें लेज़र की ज़रूरत है या नहीं है जो कन्वेंशनल सर्जरी होती है वो भी उतने ही अच्छे रिजल्ट्स देती है और बहुत इकोनॉमिक के लिए आ, आपके इन नए गैजेट्स को अवॉइड करते हुए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं तो ये डिसीजन कि हमें कैसे सर्जरी करवानी है या कैसी होनी चाहिए ये आप अपने सर्जन के साथ डिस्कस करिए और फिर आप दोनों को ये डिसाइड करना है कि आपको कैसी सर्जरी करानी चाहिए नमस्कार